उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट कर रहे युवक को पड़ा भारी। दरिंदे ने दुकान में घुसकर दिन दहाड़े गला रेत कर की हत्या। घटना के बाद लोगों में आक्रोश, उदयपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद। सीएम गहलोत ने घटना की निंदा की, कहा प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि वीडियो को शेयर ना करें। बीजेपी ने भी वारदात की निंदा कर शांति बनाए रखने की अपील की। महाराष्ट्र सीएम पद से उद्धव ठाकरे नहीं देंगे इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ने लिया फैसला। एनसीपी चीफ शरद पवार ने फोन पर बातचीत में दी थी सलाह। बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे ने की इमोशनल अपील। परिवार के मुखिया के रूप में मुझे आपकी चिंता, आप मेरे सामने बैठे, अभी भी नहीं हुई है देर। संजय राउत के चैलेंज पर बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दिया करारा जवाब, कहा जल्द आऊंगा मुंबई, मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली। बाला साहेब के हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, अगले कदम की जल्द जानकारी देंगे। मुंबई की अलीबाग रैली में फिर गर्जे संजय राउत, कहा अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो भी मंजूर, लेकिन नहीं जाऊंगा मुंबई से गुवाहाटी। G7 समिट के बाद जर्मनी के अबुधाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अबुधाबी पहुंचे नरेंद्र मोदी, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद गर्मजोशी से किया स्वागत। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा राजस्थान अपने बच्चों के लिए नौकरी में पूरा आरक्षण करेगा। दूसरे राज्यों का अध्ययन करने के बाद फैसला, हम चाहते हैं कि राजस्थान में नौकरी सिर्फ राजस्थानियों को मिले। ईआरसीपी मुद्दे पर बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक। गजेंद्र शेखावत बोले 13 जिलों के लिए योजना अहम, राज्य सरकार कर रही राजनीति, सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। जयपुर और नागौर में एसीबी की कार्रवाई, चौमू पालिका का संविदाकर्मी 15,000 की घूस लेते ट्रैप, तो नागौर में इंजीनियर सुपरवाइजर 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। जयपुर में फागी तहसील का पटवारी भी ट्रैप।